टिप्स अपनाएंगे तो नहीं होगी बच्चों की शिक्षा और शादी की टेंशन। बच्चों के भविष्य की चिंता किसे नहीं होती है। हर माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा और उनके विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था को लेकर तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं। इस दौरान कई पेरेंट्स अज्ञानता एवं गलत सलाह के कारण गलत कदम उठा लेते हैं। HSBC वैल्यू ऑफ एजुकेशन सर्वे 2018 में करीब 61% पेरेंट्स ने इस बात पर अफसोस जताया कि उन्होंने बच्चों के लिए और पहले से बचत शुरू नहीं की। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन सर्वे 2017 में सामने आया कि 540 प्रतिभागियों में से करीब 35% की मूल चिंता बच्चों की शिक्षा का खर्च जुटाने की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस चिंता को दूर करने के लिए क्या करें। पहला कदम, अपने बच्चों से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त धन जुटाने की दिशा में पहला कदम लक्ष्यों का स्पष्ट रेखांकन करना है। किसी निश्चित मौके पर कितनी रकम की जरूरत होगी, यह लक्ष्य निर्धारित करते वक्त महंगाई के मुताबिक रुपए की कीमत का ध्यान जरूर रखें। उसके बाद देखें कि आपके पास बचत एवं निवेश के लिए कितना समय बचा है। अगर आपके पास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है तो इक्विटी में निवेश करें, लेकिन समय कम बचा हो तो डेट में निवेश करना होगा। दूसरा कदम, अब इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड आदि में से किस मद में कितनी रकम निवेश करनी है, इसका सटीक पोर्टफोलियो तैयार कर लें। उसके बाद पोर्टफोलियो के मुताबिक उचित इंस्ट्रूमेंट्स का चुनाव करें। आप चाहें तो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग करके निवेश करें, या चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं जिनमें आपके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक इक्विटी एवं डेट का सही संयोजन होता है। एक बार आपने मूलभूत निवेश प्रक्रिया समझ ली तो बच्चों के लिए बचत एवं निवेश के सारे उलझन सुलझने लगेंगे। इसलिए अगर आप भी बच्चों के लिए भविष्य में होने वाले खर्चों को लेकर चिंतित हैं, HSBC के सर्वे में पता चला कि करीब 31% पेरेंट्स ने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए अल्पावधि ऋण लिया था, जबकि 26% माता पिता ने दोस्तों या परिवार से उधार लिया था। आमतौर पर माता पिता बच्चे के जन्म के वक्त से ही निवेश करना शुरू नहीं करने की गलती करते हैं। रोहिरा कहते हैं, पेरेंट्स की एक और गलती होती है कि वे निवेश करते भी हैं तो बहुत कम, क्योंकि उनके दिमाग में महंगाई के मद्देनजर भविष्य में पैसे की कीमत की बात नहीं रहती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर बचत की रकम कम पड़ जाती है, तब रिटायरमेंट के पैसे खर्च करना ही विकल्प बच जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता। ऐसे में अच्छा उपाय यह है कि एजुकेशन लोन लिया जाए ताकि काम भी हो जाए और रिटायरमेंट के पैसे से दुनियादारी के खर्चे भी पूरे होते रहें। साथ ही एजुकेशन लोन लेने पर बच्चे के दिमाग यह रहता है कि कर्ज मुझे ही चुकाना है, इसलिए वह बेहद अनुशासित हो जाते हैं। एक और फायदा यह है कि एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर फिक्स बेनिफिट पाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें।